केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने अते केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश से सरकार भी 2 साल पूरे होने की खुशी में भारतीय जनता युवा मोर्चा अते महिला मोर्चा वालों स्थानक हदियाबाद विखे खूनदान कैंप लगाया गया, जिस विच विशेष तौर पर समाज सेविका मैडम अनीता सोम प्रकाश ने शिरकत की। उन्हां नाल साबका मेयर अरुण खोसला अते नितिन चड्ढा भी मौजूद सन। अज नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। इस संदर्भ विच पार्टी ने देश विच महामारी ध्यान च रखदिआं लोकां दी मुश्किल नूं ध्यान च रखदिआं अज दा दिन उन्हें सेवा के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। सेवा ही संगठन है। इस प्रोग्राम अधीन वक् वक् लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है। अज फगवाड़ा विखे पहला तो खूनदान कैंप बहुत वड्डा लगाया गया और बहुत लोगों ने सहयोग दिता और बहुत कामयाब खूनदान कैंप उत्थे लग्या और काफी दिनों तो साडी एक टीम बल्लू वालिया मिंटू वालिया जो साडे डिसीजन नेता ने बीजेपी और एक समाज सेवी संस्था नाल संबंधित ने वह कई दिन तो सारे शहर नूं सारे वार्डां नूं सैनिटाइजेशन दा काम शुरू किया है और जिथे भी कोई किसी नूं लोड़ है कि घर नूं सैनिटाइज करना वह कर रहे हैं। बहुत वड्डी सेवा उन्होंने दोनों भरावों वालों की जा रही है। इहदे नाल ही अज लोड़वंद लोगों नूं राशन वंडन का काम भी किया गया, फ्रूट वंडन का काम भी किया गया, जिस नूं भी किसी की लोड़ होवे दवाइयां देण का काम भी अज किया गया और इस तरह अज का दिन सेवा के तौर पर साडे सारयां दे पार्टी दे नेतावां ने जिला प्रधान मंडल प्रधान और कौंसलर ने रल के बनाया। मैं सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा हां। इस कैंप दौरान कई नौजवानों ने स्वै इच्छा नाल खूनदान किया। इस मौके मैडम अनीता सोम प्रकाश ने जिथे खूनदान कैंप लगाउण ते सारे ही मैंबरां दा धन्नवाद किया उत्थे ही केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश नूं उन्हां दी सरकार भी 2 साल पूरे होण ते वधाईयां दित्तियां। खूनदान जरूर करना चाहिए है जोड़ा भी इंसान कर सकता ता कि असी दूसरे लोगों जिंदगी बचा सकिए जिन्होंने पैदी है। अब भारतीय युवा मोर्चा वालों हिंदुस्तान प्रेस कमेटी वालों लड़का वर्ग चलिए इन्हों सारिया संस्थावान ने रल के कैंप सोम प्रकाश जी के दिशा निर्देशों से लगाया है क्योंकि अब उन्होंने सेंटर के मंत्री बने 2 साल पूरे हुए हैं। सो इस करके ये कैंप अज लगाया गया है। बच्चों का बहुत उत्साह है, मैं देखा कि बच्चों का उत्साह है खूनदान कर। सो मैं अपने वालों इन्हों आशीर्वाद देवगी ताकि सारे बच्चे रल के होर समाज के लिए अच्छे काम कर कि इस समाज में सेहत मिल सके, अच्छे काम कर होर लोगों को इच्छा होवे असी भी कुछ करिए समाज के लिए। सारू मेरा आशीर्वाद। इस मौके साबका मेयर अरुण खोसला ते यूथ आगू नितिन चड्ढा ने भी सोम प्रकाश कैंथ ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं हार्दिक वधाईयां दित्तियां। उन्हां कहा कि सोम प्रकाश दे सरकार विच 2 साल अते केंद्र सरकार दे 7 साल पूरे होण दी खुशी विच ही इह ब्लड कैंप लगाया गया है। उन्हां सारे खूनदानियां दा तहे दिलों धन्नवाद कीता। अज भारतीय जनता पार्टी वालों भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों अज महिला मोर्चा वालों सारियां साडियां जिहड़ियां भारतीय जनता पार्टी दे सैल आ मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। अज नरेंद्र भाई मोदी जी जो 7 साल सेंटर दे विच सरकार हो गए साढ़े 2 साल माननीय सोम प्रकाश मंत्री जी नूं हो गए मैडम नीता सोम प्रकाश के प्रयास के नाल अज ब्लड डोनर साढ़े हिंदुस्तान वेलफेयर सोसायटी जिहड़े साढ़े पुरी जी हैं मेन जिन्हों का सहयोग फगवाड़े बहुत बड़ा रहिंदा। यह पुरी जी वह आ हर वेले दुख सुख के नाल लोगों के परिवारों नाल जुड़दे आ किसी नूं किसी तरह का किसी नूं ब्लड का चाहिए होवे इन्हां दा हर वेले ब्लड पिया रहिंदा। जदों भी किसी ब्लड की लोड़ पवे तुसीं पूरी साहब नाल संपर्क करके लै सकते हैं। मैं अज के दिन ते सारी टीम नितिन चड्ढा जी दी टीम अपने वालों बहुत बहुत सारे कौंसलर वालों बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैं अपने वालों पूरे मेयर वालों भी इन्हों का धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अज भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों साडे नरेंद्र भाई मोदी जी के 7 साल पूरे होने की खुशी में सोम प्रकाश कैन जी के 2 साल MP बनने की खुशी में ਹਦੀਆਬਾਦ ਚੱਡਿਆ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਸੇਵਾ ਸਪਤਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਵਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ।